हाई स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एर्थ का मोरल। इसके पहले आप एर्थ के मोरल में दो चैप्टर पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें टॉपिक को, अपने दो टॉपिक को। मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, प्रिपेयर कर लिए होंगे, जो वर्ड मीनिंग था उसको लर्न कर लिए होंगे। और आज हम लोग उसके अगले चैप्टर, थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, समझिएगा। कोई डाउट होगा तो उसमें तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग देखने से क्या होती है, आपकी जो टॉपिक होगा वो अच्छे से समझ में आएगा, जो डाउट्स होगा अच्छे से क्लियर होगा, जो वर्ड्स होंगे सेंटेंस समझ में आते जाता है। इसीलिए आप वर्ड मीनिंग को प्रिपेयर करते रहें, देखते रहें। तो आइए वर्ड मीनिंग को कुछ देख लेते हैं। कल्टिवेटिव मतलब होता है विकसित करना या उपज करना। सेल्फ मतलब होता है स्वयं। आइटम्स मतलब होता है आदर करना। एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, हकीकत। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो हम लोग का आज टॉप ये रहा वर्ड मीनिंग। अब टॉपिक है कल्टिवेटिंग सेल्फ। आइटम्स मतलब होता है आत्मसम्मान की खेती करना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप सबकी, किसी भी पर्सन की क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जैसे आप हैं तो आपका क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको बनाए रखना। तो आप अपनी आत्मसम्मान की, इसका वर्ड मीनिंग हुआ आत्मसम्मान की खेती करना, मतलब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे सोसाइटी में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बिल्ड करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप स्कूल में भी आते हैं, स्कूल में दोस्तों के साथ, सर लोगों के साथ आप रहते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हमारे कई दोस्तों थे क्लास में 25, 30, 40, 50 ऐसे क्या होते हैं, हम लोग के फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, क्लास में क्लासमेट होते हैं। तो सबकी क्या होती है, एक अलग अलग पहचान होती है, सबकी एक अलग अलग खुद की एक पहचान बनी होती है, खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है सर लोगों की नज़र में, दोस्तों में तो छोड़िए आप। तो ये आप कैसे मतलब अच्छा बिल्ड करेंगे कि सर लोगों की नज़र में आप एक गुड स्टूडेंट हैं, उसको कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाएंगे, उसके लिए हम आपको बताते हैं तरीका। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टीचरों के साथ, दोस्तों के साथ, मतलब कि एक माइनर के साथ डिसिप्लिन, सबसे बड़ी बात है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कब जाकर बिल्ड होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन हो, मतलब संस्कार हो, अपने से छोटों से कैसे बात करना है, अपने से बड़ों से बात करना है, अपने टीचर से कैसे बात करना है, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करना है, अपने सोसाइटी में लोगों से कैसे बात करना है, ये चीज़ अगर ये आपके अंदर है तो आप क्या अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकते। अगर जो आप बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास, अगर जो आपके पास बात करने की क्या है, बात करने के पास तरीका नहीं है, सेंस नहीं है, तो आपकी क्या होगी, कोई आपकी क्या होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई आपका पहचान नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि बात आपके एजुकेशन के साथ साथ आपका क्या होगा, एक बात करने का तरीका होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन, अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है, छोटों से कैसे बात किया जाता है, तो ये आपके अंदर क्या होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। जैसे आप स्कूल में आते हो तो सर को गुड मॉर्निंग बोलते हो, कितने बच्चे पैर छूते हैं, तो ये आपके अंदर, अब कोई मतलब आपके क्लास टीचर हो या अदर क्लास के सर हो, आप कोई भी अगर जिस स्कूल के सर हैं तो आप उनको क्या करना चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ये आपका क्या है, ये आपका इसमें क्या दिखेगा, आपका संस्कार दिखेगा, जिससे आपका क्या होगा, सर के अंदर भी ये मतलब भावना उत्पन्न होगी कि ये क्या है, लड़का बहुत अच्छा है। तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, सर हुए, मैम हुए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये आपके अंदर होना चाहिए। भले ही वो आपके क्लास के सर हो या जूनियर क्लास के हो या सीनियर क्लास के हो, आप किसी भी क्लास में अगर जो स्कूल के हो सर हैं, कोई भी पर्सन हुआ स्कूल को, तो उनको क्या करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए जब भी आप स्कूल मिले, या सोसाइटी में रह रहे हैं तो अपने से बड़ों से अच्छे से बात करें, अंकल हैं, आंटी हैं, दादा हैं, दादी, उनसे क्या अच्छे से बात करें। अगर जो घर में छोटा बच्चा है या बगल में छोटे स्कूल में आपके जूनियर हैं, उन सब उससे अच्छे से आप बात करेंगे तो क्या करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको मतलब आपको बहुत आपका नाम भी लेंगे। जैसे आप लोग क्लास में देखते होंगे कुछ बच्चों को सर लोगों ने क्या करते हैं, बहुत क्या करते हैं, लाइक करते हैं,
क्यों? क्योंकि वो अपना काम, अपनी मतलब क्वालिटी, बदमाश तो क्लास में वो भी करता है बदमाशी, लेकिन क्या करता है जब क्लास में टीचर आते हैं तो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, अपना पढ़ाई करता है, जो सर लोग वर्क देते हैं उसको टाइम टू टाइम क्या करता है करके, और क्या करता है सर को दिखाता है। ये चीज़ क्या है, उसकी एक खुद की अपनी क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने की क्या है एक मेहनत है, एक पहचान है, उस तरीके को क्या करे बिल्ड किए करके रखा है अपने अंदर। तो आप लोग भी ये क्या करिए, इस मतलब एक्टिविटीज को, इस तरीके को अपनाइए अपने अंदर, इसको बिल्ड करिए, मतलब कि सोसाइटी में अपने देखिए कहा गया है कि आपके पास सभी चीज़ होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए सोसाइटी में एक अच्छा आपका क्या होना चाहिए पहचान होना चाहिए। अगर जो कोई देखे तो बोले कि ही इज़ अ गुड पर्सन, सी इज़ अ गुड पर्सन, कि हाँ एक अच्छे आदमी हैं, एक अच्छा लड़का है, अगर ये अच्छा एक बालिका है, ये चीज़ होनी चाहिए अपने आप को ऐसे रखिए। तो ये आपका क्या रहा सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या रही टॉपिक रही, आप लोग इसको अच्छे से मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ लिए होंगे, इसको अच्छे से समझ बुक को पढ़िएगा, एडिट करिएगा और वर्ड मीनिंग को अपने क्या करिएगा नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर ये कहीं पे कोई डाउट होगा या किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।